जी, हरिनाथ यादव जी, ये सब हमारे जुगी नायक हैं। शंकर जी, विजय भारद्वाज जी, सुरेश दास जी, सुनील गुप्ता जी, गंगा का विपरीत प्रभाव, प्रदेश का अध्यक्ष झुग्गी में आकर अपने भाई के धर्म को निभाता हुआ, अपने नायकों का सम्मान करता हुआ, धीरे धीरे इस प्रवाह को, सत्ता के इस प्रवाह को सही दिशा सुशासन की ओर ले जाते हुए भाई आदेश गुप्ता जी, प्रदेश का नेतृत्व हो तो ऐसा हो। आजी भैया, आजी सुनील भैया जी, आइए सुनील भैया। रवि जी, डॉक्टर दिलीप जी, डॉक्टर साहब, मंटू जी, डॉक्टर दलीप जी रह गए हैं, मेरे से कहीं ना कहीं गलती हुई है, मेरे बोलने में गलती हुई। अच्छा डॉक्टर साहब, कमल और मुनीर जी, साथियों, जीवन लाल जी आप ऊपर आ जाइए।
तो जोर से बोलो लोग, इनकी समझ में आवे तो तब बोलब, नहीं तो फिर हिंदी में बोलब। समझ में आवे था तो केजरीवाल छठ पर रोक लगा दे लगल मालूम। सिवान छपरा गोपालगंज वाला भारत माता की, भारत माता के छठी मैया के, छठी मैया के मोदी जी संघर्ष करो, आदेश जी संघर्ष करो। अब की आदेश जी एकदम छठ करवा के मनियाने में कौन दुमत नहीं के, ऐसे इंदिरा नाम पर जोरदार ताली बजाओ लोगिन। अब हम आमंत्रित करतनी अपना देश के और झुग्गी वालों के भाई जे लड़ाई लड़े खातिर, स्वाभिमान जगावे खातिर, सम्मान के लड़ाई खातिर हरेक दिल्ली के झुग्गी में घूमत रहन, वैसा अपन यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष भाई आदेश गुप्ता जी के हम आमंत्रित करतनी कि वो मंच पर आवस और आप सबके संबोधित करस। संबोधित कैला के बाद जेकर जेकर रजिस्ट्रेशन भइल बा उज्वला में ओकरा गैस चूल्हा मिली, प्रतिभा सम्मान वाला के ओकरा के सर्टिफिकेट आ ओकरा के उपहार मिली, साड़ी भी वितरित होई। तो एक खातिर एक खाली जोरदार नारा अध्यक्ष जी के नाम पर लगाओ लोग, श्री आदेश गुप्ता, श्री आदेश गुप्ता। हेने से लोग ने क्या बोलत बुझा था कि जबरदस्ती लोग आये बा, तो नियनियो वाला बोलो लोग, श्री आदेश गुप्ता। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आमंत्रित करतनी अपना यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान आदेश गुप्ता जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई दिनेश प्रसाद सिंह जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी। आज इस झुग्गी सम्मान यात्रा वजीरपुर विधानसभा में इस समापन के मौके पर यहां उपस्थित हमारे मंच पर भाई दिनेश प्रताप सिंह जी, हमारे जिले के जुझारू अध्यक्ष भाई राजकुमार भाटिया जी और यहां हमारे
इस क्षेत्र के लोकप्रिय नेता भाई आदरणीय सुरेश भारद्वाज जी यहां से विधायक रहे, डॉक्टर महेंद्र नागपाल जी, योगेश वर्मा जी जो जोन के चेयरमैन हैं, हमारे इस जिले के महामंत्री भाई मंजीत सिंह जी, डॉक्टर अमित नागपाल जी, और ये जो उज्ज्वला योजना के गैस सिलेंडर आपको मिलने वाले हैं, उस पूरे काम को देख रहे हमारे प्रवक्ता भाई ब्रजेश राय जी, ये आजमगढ़ के ही रहने वाले हैं, आपकी विशेष चिंता कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ हमारे महिला मोर्चा की महामंत्री टीना जी, यहां हमारे झुग्गी झोपड़ी सेल के प्रकोष्ठ के संयोजक सुशील चौहान जी, और इतनी बड़ी संख्या में मंच पर जिन लोगों ने अपने पसीने से दिल्ली के अंदर अपना मुकाम हासिल किया है, कोई उत्तर प्रदेश, कोई बिहार, कोई झारखंड, कोई राजस्थान, कोई उड़ीसा, कोई बंगाल से आकर, जिन्होंने उत्तर दिल्ली में आकर दिल्ली में अपना स्थान बनाया है, ऐसे सभी हमारे झुग्गी के जो प्रधान हैं, प्रमुख लोग हैं, पार्टी के हमारे पदाधिकारीगण हैं, महिला मोर्चा की अध्यक्षा है, हमारे युवा मोर्चा के साथी हैं, और यहां इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हमारी मातृशक्ति भाइयों और बहनों, मैं सबको नमस्कार करता हूं, राम राम करता हूं। भाइयों बहनों, आपको पता है ये झुग्गी सम्मान यात्रा किस लिए है? ये झुग्गी सम्मान यात्रा मुझे किसी एक दोस्त मिला मुझे, वो बोला कि आप तो दिल्ली में रहते हो, आप पहले यूपी से आते थे और दिल्ली बस गए आके, दिल्ली तो देश का दिल है, और दिल्ली जो देश का दिल है तो कभी उनके दिल्ली के अंदर रहने वाले दिल की भी बात सुनिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर दिल्ली एक शरीर है और उसका अगर दिल है तो वो वजीरपुर और इधर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले जो हमारे भाई बहन है वो उनका दिल है। ये हमारे जो भाई बहन मेहनत से काम करके, ईमानदारी से काम करके दिल्ली को चलाने का काम करते हैं, दिल्ली को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, दिल्ली को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने का काम करते हैं, दिल्ली के अंदर फैक्ट्रियों में उत्पादन हो, दिल्ली के घरों में कामकाज हो, दिल्ली को सही रूप में चलाने का काम आप जैसे भाई बहन करते हैं, मैं उनके सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए आपके बीच आया हूं। आपको पता है पिछले 7 सालों से दिल्ली के अंदर एक ऐसी सरकार है जो सरकार ये कहती है, दिल्ली के मुख्यमंत्री जब मुख्यमंत्री नहीं बने थे तो वो कहते थे हम तो आम आदमी हैं, हम गरीब आदमी की बात करेंगे, हम एक आम इंसान के लिए काम करेंगे। लेकिन अफसोस है कि इन 7 सालों में झुग्गी वासियों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं एक ही उदाहरण दूंगा आपको, उन्होंने कहा था आप अगर हमारी बात में समर्थन करते हैं तो आप कीजिएगा, उन्होंने कहा था कोई भी अगर मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा तो मैं गाड़ी नहीं लूंगा, कहा था कि नहीं कहा था बताइए, कहा था? उन्होंने कहा बंगला नहीं लूंगा, उन्होंने कहा हम सुरक्षा नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे, और अब उन्होंने गाड़ी भी कौन सी ले ली है,
कौन सी गाड़ी ली है लंबी वाली, गाड़ी भी ले ली है, बंगला भी ले लिया है और सुरक्षा भी ले ली है। चलिए, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री है और दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाते उनको कानूनन संवैधानिक रूप से सारी चीजें मिल गई, लेकिन अब एक नया कारनामा कर दिया है मुख्यमंत्री जी, अपने घर की छत पे 10 करोड़ की लागत से स्विमिंग पूल बनवा रहे हैं। क्या बनवा रहे हैं? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आपके यहां क्या साफ पानी आ रहा है? क्या साफ पानी आ रहा है? क्या अगर आ रहा है तो बताइए, नहीं आ रहा है तो जोर से बताइए, बताइए आपके यहां साफ पानी आ रहा है? क्या अभी ऐसा लग रहा है कि साफ पानी आ रहा है? आ रहा है या नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा साफ पानी? अपने घर पे 10 करोड़ का स्विमिंग पूल बनवा रहे और झुग्गी में जो आम इंसान की बात करते थे वहां पानी भी नहीं भेज रहे। ये असलियत केजरीवाल साहब की है, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी की है। इस असलियत को बताने के लिए आपकी हक की लड़ाई, आपके अधिकार की लड़ाई, आपकी हक की लड़ाई लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी और आपका भाई आदेश गुप्ता आपके बीच आया है, ये मैं कहना चाहता हूं। मैं यहां पूछना चाहता हूं, हमारी बहुत सी बहनें हैं जो कोई बिहार से, कोई आजमगढ़ से, कोई यूपी से यहां आकर जिन्होंने अपने मेहनत से यहां मुकाम हासिल किया है, काम करके अपने परिवार को चलाकर अपने परिवार का भी काम किया है, बाहर भी काम किया है, ऐसी बहनों को मैं सलाम करता हूं। ऐसी बहनों को, ऐसी माताओं को, ऐसे भाइयों को मैं सलाम नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, उनको सम्मान दिलाने के लिए, उनके स्वाभिमान को जगाने के लिए और उनके संघर्ष के लिए मैं आज आपके बीच में इस झुग्गी सम्मान यात्रा के माध्यम से आया हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और वो जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से लगातार गरीब वर्ग, आम इंसान, देश का हर तबका, गरीब से गरीब महिला हो, पुरुष हो, भाई हो, बहन हो, किसान हो, मजदूर हो, हर वर्ग के लिए वो काम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये उज्ज्वला योजना आज जब प्रधानमंत्री जी ने शुरू की थी उस समय इस देश में 50% लोगों के पास गैस सिलेंडर नहीं था। हमारी गांव में, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली हमारी माताएं बहनें चूल्हे पर रोटी पकाकर अपनी हेल्थ, अपना स्वास्थ्य खराब कर लेती थी। उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता था, बीमार हो जाती थी। उनके जीवन में उजाला लाने का काम ये प्रधानमंत्री जी की उज्ज्वला योजना ने किया है, जो अभी आपको दी जाएंगे गैस सिलेंडर और कनेक्शन। 8 करोड़ से ज्यादा लोगों को गैस सिलेंडर, कनेक्शन और चूल्हा देने का काम मोदी सरकार ने किया है। और तो और, आपको ध्यान होगा जिस समय प्रधानमंत्री जी की एक योजना है जो आपको पता भी है, 6,000 रुपए हमारी उस बहन को मिलते हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान जिसको अपने बच्चे के लिए, शिशु के लिए और अपने स्वास्थ्य की चिंता के लिए 6,000 रुपए उन माताओं बहनों को मोदी सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं। 5,000 रुपए उसके बाद यानी 11,000 रुपए ये योजना भी मोदी सरकार की है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा सब पूरे देशवासियों के लिए, विशेष तौर पे झुग्गी झोपड़ी में गरीब लोग रहते हैं और जो हमारे गांव में लोग रहते हैं उनके लिए।
मैं एक योजना के बारे में बताता हूं। अमूमन जब कोई हमारा गरीब व्यक्ति झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला जब वो कोई रोजगार करने के लिए आता है तो उसके पास पैसे नहीं होते, कहीं कर्जा लेना पड़ता है, और जहां कर्जा लेता है वहां बड़े मोटे ब्याज पर उसे पैसे चुकाने पड़ते हैं। मोदी जी ने कहा हमारी सरकार मोदी सरकार देश के गरीबों के साथ है, रेड़ी पटरी लगाने वाले लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है, इसलिए उन्होंने पीएम स्वनिधि योजना शुरू की जिसमें 10,000 रुपए तक का लोन बिना गारंटी के कोई भी व्यक्ति जो रेड़ी पटरी लगाता है एमसीडी की कोई पर्ची होगी उसको वो लोन मिल सकता है। ये पीएम स्वनिधि योजना है। मैं अपनी दो बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं आपको कहना चाहता हूं भाइयों और बहनों, कोरोना की महामारी आई, पूरी देश पूरी दुनिया कोरोना महामारी से परेशान थी। आपको ध्यान है ना, यहाँ कोई बुजुर्ग होंगे, कोरोना महामारी से पहले 100 साल पहले एक ऐसी महामारी आई थी। अभी 2021 है, 1920 में 100 साल पहले एक महामारी आई थी, स्पेनिश फ्लू, एक बुखार था, और वो उस बुखार में दुनिया के अंदर 5 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी। 5 करोड़ लोग, जिसमें हिंदुस्तान के 2 करोड़ थे। उन 2 करोड़ लोगों में आपको जानकर ही आश्चर्य होगा, उन 2 करोड़ लोगों में महामारी से मरने वाले लोग कम थे, 1.5 करोड़ लोग यानी 75% लोग भूख से मरे थे। खाना नहीं मिला था उनको, राशन नहीं मिला था, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का शासन था, लोगों को राशन मिला नहीं, अनाज मिला नहीं, भूख से मर गए थे। मैं आपको कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस समय कोरोना यहां पर आया, कोरोना महामारी आई, कोरोना वायरस आया, उस समय जो सबसे पहली घोषणा हमारे प्रधानमंत्री जी ने की थी, हम चाहे कुछ करें नहीं करें लेकिन सरकार पहले कोरोना के 9 महीने में और दोबारा के 9 महीने यानी दिवाली तक हर व्यक्ति को मुफ्त राशन मिलेगा, ये काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने करके दिखाया है। देश के 80 करोड़ लोग और दिल्ली में रहने वाले 74 लाख लोगों को मुफ्त राशन देने का काम मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में किया है। आप उनकी सोच देखिए कितनी दूरदर्शी, कितना दूरंदेशी प्रधानमंत्री, जिन्होंने ये सोचा कि कहीं ऐसी महामारी हमें दवाई नहीं दे पाए या फिर इलाज नहीं मिला, वो तो कम मौतें होती है, लेकिन भूख से रोजगार नहीं था, किसी का रोजगार बंद हो गया था, सब लोग लॉकडाउन में था, उस समय सरकार ने फैसला लिया सबको मुफ्त राशन मिलेगा। और मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कोरोना वॉरियर्स को भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने भी कंधे से कंधा मिलाकर हर झुग्गी झोपड़ी में जाकर हमारे राजकुमार भाटिया जी के नेतृत्व में पूरे केशवपुरम जिले के अंदर कहीं राशन देना, कहीं भोजन देना, ये काम भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने करके दिखाया। कहीं सैनिटाइजर देना, कहीं मास्क बांटना। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं भाइयों और बहनों, इतनी बड़ी संख्या में हमारी बहनें हैं, अभी आज का दिन हमारे लिए बहुत शुभ है, क्योंकि आज आपको पता है क्या है, आज हिंदुस्तान ने ऐतिहासिक काम किया है,
भारत में 100 करोड़ वैक्सीन की डोज लग चुकी है, ये दुनिया के अंदर कहीं नहीं हुआ है। अमेरिका हो, लंदन हो, यूरोप हो, कोई भी देश नहीं करके दिखाया है। भारत ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये करके दिखाया है। हम डॉक्टर्स का, वैज्ञानिकों का, कोरोना वॉरियर्स का और जो पैरा मेडिकल स्टाफ है उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने मेहनत करके 100 करोड़ लोगों को 100 करोड़ वैक्सीन की डोज लगाना कोई मामूली काम नहीं है। पहले जब कोई महामारी आती थी 20 साल 30 साल लगते थे तब कहीं जाके वैक्सीन बनती थी। आज देखिए, आज वो लोग भी यही हैं जो ये कहते थे मोदी जी वैक्सीन कब दोगे, मोदी जी ऑक्सीजन कब दोगे। वो कहते थे कि अगर ऐसे ही मोदी जी वैक्सीन लगाएंगे तो हिंदुस्तान में तो 15 साल में भी वैक्सीन नहीं लग पाएगी। ये आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे थे, कांग्रेस के लोग कह रहे थे, अरे मोदी जी वैक्सीन नहीं दे रहे हो, दिल्ली में नहीं दे रहे हो, हिंदुस्तान में वैक्सीन नहीं है। आप देखिए, मोदी जी ने उसका जवाब बात से नहीं दिया है, उसका जवाब काम करके दिया है। 100 करोड़ वैक्सीन की डोज आज लग चुकी है। आज हम कह सकते हैं कि आने वाले 2 महीने में पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबको कोरोना का बीमारी से बचने के लिए कवच के रूप में कोरोना की वैक्सीन लग जाएगी और पूरा भारत कोरोना मुक्त हो जाएगा। इस बात के लिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जोरदार तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करते हैं, जोरदार तालियां बजाकर। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको आने वाले त्योहार करवा चौथ, दीपावली, छठ पूजा, भैया दूज और इसके साथ साथ अन्नपूर्णा पूजा, उस सब की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात मैं समाप्त करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की। और मैं आखिरी में इतना कहूंगा कि कोई भी समस्या होगी, दिल्ली सरकार के पानी की समस्या होगी, बिजली की होगी, सड़क की होगी, सीवर की होगी, हर समस्या के लिए हम आपके लिए संघर्ष करने के लिए, आपके सम्मान की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। आपका भाई आदेश गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ ये लड़ाई हम जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि जो लोग अपेक्षित नहीं हैं वो कृपया या तो नीचे चले जाए या साइड में रहे। यहाँ जिनका सम्मान होना है, हमारे झुग्गी में रहने वाले भाई बहनों का, उनको आगे आने दे। ये मेरा आपसे अनुरोध है कि आप साइड हो जाए और आगे की कार्रवाई के लिए उज्ज्वला गैस में 21 लोगों का नाम फॉर्म भराया गया था और 21 लोग लाभार्थी हैं। उनका नाम एक एक कर करके 6 लोगों को यहां से सम्मानित किया जाएगा। बाद में जिला अध्यक्ष जी के माध्यम से सम्मान वितरित होगा। अब इस कार्य को गति देने के लिए, आगे की कार्रवाई के लिए मैं इस जिला के यशस्वी महामंत्री मंजीत जी को आमंत्रित करता हूं कि आए और आगे की कार्रवाई प्रारंभ करें। धन्यवाद भाई दिनेश प्रताप सिंह जी। मैं अनुरोध करता हूँ उज्ज्वला योजना के लिए जो सहयोग दे रही है जिले में मंत्री मीनू गोयल जी से कि वो डाली जी को लेकर आए। और अनुरोध करता हूँ जिला अध्यक्ष श्री राजकुमार भाटिया जी, आप आगे आ जाएं। राजकुमार भाटिया जी से अनुरोध है कि प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ उज्ज्वला योजना के तहत एक चूल्हा दे रही है और एक सिलेंडर का डमी है और एक बैग है। डाली जी, ज्ञानवती जी से अनुरोध है कि ज्ञानवती जी आगे आ जाए। मीनू गोयल जी सहयोग कर रही है ज्ञानवती जी। और अनुरोध है इसमें दिनेश प्रताप जी के अलावा जिला अध्यक्ष राजकुमार भाटिया जी, प्रदेश अध्यक्ष झुग्गी वासियों के भाई आदेश गुप्ता जी रहेंगे
और महेंद्र नागपाल जी, सुरेश भारद्वाज जी, ज्ञानवती जी, अर्चना जी से अनुरोध है कि वो अपना गैस सिलेंडर और एक डमी के लिए उज्ज्वला बैग और एक प्लेट के लिए आगे आएंगी अर्चना जी। तारा देवी जी तैयार रहे। जिला अध्यक्ष जी से अनुरोध है कि वो प्रदेश अध्यक्ष जी का सहयोग करेंगे। दिनेश प्रताप सिंह जी से अनुरोध है। तारा देवी जी के साथ प्रीति जी आएंगी। 21 लाभार्थी है जिनको मंच से 6 लाभार्थियों को प्रदेश अध्यक्ष उनके भाई आदेश गुप्ता जी अपनी बहनों को ये दे रही है, प्रीति जी और अंत में रीता देवी जी। मैं जिला अध्यक्ष जी से भी अनुरोध करता हूं कि वो भी फ्रेम में आए। जिला अध्यक्ष जी राजकुमार भाटिया जी, प्रदेश अध्यक्ष जी झुग्गी वासियों के भाई बहनों के भाई आदेश गुप्ता जी, उनको एक प्लेट और सिलेंडर का डब्बी देकर सम्मानित कर रहे हैं। कुल नाम 21 है, यहाँ पर 6 लोग हैं, 6 बहने हैं। ब्रिजेश राय जी, शुभेंदु जी और दिनेश प्रताप जी सहयोग कर रहे हैं। मैं अनुरोध करता हूँ, 6 नाम हो गए मीनू जी। मैं अनुरोध करता हूँ किसान मोर्चा अध्यक्ष आनंद गुलिया जी से कि वो जो 8 सर्टिफिकेट सम्मान पत्र है वो लेके आएंगे। मैं अनुरोध करता हूँ जवाहर यादव जी, सुरेश जी, अशोक जी, जवाहर यादव जी, प्रदेश अध्यक्ष जी उनको जवाहर यादव जी के बाद नवनीत कुमार पायल जी आएंगे। महेंद्र नागपाल जी से अरविंद नागरा जी, हाँ उज्ज्वला जवाहर यादव जी, नवनीत जी, जगदीश कुमार जी आगे आके खड़े हो जाएंगे। जगदीश कुमार जी, जियालाल प्रधान जी, जियालाल प्रधान जी और रामवीर सिंह जी है, ठीक है, शंभू गुप्ता जी। जवाहर यादव जी को सम्मान पत्र देके सोसाइटी में सेवा बस्तियों में उन्होंने बहुत अच्छे सेवा कार्य किए हैं। प्रदेश अध्यक्ष आदेश जी अध्यक्ष जी उनको सम्मान पत्र देके आनंद गुलिया जी हैं जी, नवनीत कुमार तायल जी, शंभू जी के बाद ज्योत नारायण जी, अशोक भानवाड़ी जी, आप लोग अभी सबका नंबर आएगा। सुरेश भारद्वाज जी, अशोक जी और जिला अध्यक्ष राजकुमार भाटिया जी और हम सब यही रहेंगे। नवनीत तायल जी आप इधर आ जाइए। जगदीश कुमार जी,